नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का सेशन उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, उनके लिए उपयोगी होने वाला है जिनके बहुत सारे डाउट थे, जिनको जाना था ग्रुप डी में, तो उनके ये डाउट थे क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई वाला बच्चा जा सकता है नहीं जा सकता, दसवीं पास वाला बच्चा जा सकता है नहीं जा सकता। तो आपके जो डाउट थे इससे क्वालिफिकेशन को लेकर, आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, एज को लेकर, एग्जाम को लेकर, तो आपके जो सारे डाउट थे, क्वेश्चन थे, इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करती हूँ कि मैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें बच्चों का जो सवाल था, मैम इसमें जिनके पास आईटीआई की डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, क्या वो बच्चा अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आईटीआई भी है किसी के पास तो किन किन पद के लिए आईटीआई मांगा गया है, आपकी पसंदीदा जॉब है नहीं है, आपकी पसंदीदा पोस्ट है या नहीं है वो, और ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें सिर्फ दसवीं पास ही योग्यता मांगी गई है, उसमें किसी भी आपकी आईटीआई फिर किसी भी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखा, क्या वो बच्चे इसमें जा सकते हैं? तो बिल्कुल आप जा सकते हो, आईटीआई वाले भी जा सकते हो, और जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखा, सिर्फ दसवीं पास कर रखा है, वो बच्चा भी इसमें जा सकता है। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। देखिए ये आपकी पोस्ट है, पोस्ट ऑफ नेम यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट दे रखा है, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, कौन कौन बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो पद है वो आपका असिस्टेंट का है, वर्कशॉप। इसमें क्वालिफिकेशन है दसवीं के साथ आईटीआई। असिस्टेंट ब्रिज, इसमें आपका बीबीटेक वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। असिस्टेंट सीडब्ल्यू, इसमें दसवीं और आईटीआई मांगी गई है। असिस्टेंट डेपोट, इसमें भी यह है कि जिन बच्चों के पास आईटीआई की डिग्री नहीं है तो ये एक ऐसा पद है असिस्टेंट डेपोट का, इसमें आप फॉर्म भर सकते हो, सिर्फ दसवीं पास की मार्कशीट होना अनिवार्य है। अगला पद है हमारा असिस्टेंट लोको सेट डीजल, इसमें भी भाई दसवीं और आईटीआई पास आपकी योग्यता रहने वाली है। असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल में, इसमें भी दसवीं पास और आईटीआई है। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेशन है, इसमें दसवीं पास और आईटीआई है। एक और आपका पद आ जाता है भाई पॉइंट्समैन, ट्रैफिक में है ये डिपार्टमेंट है आपका ट्रैफिक, इसमें भी सिर्फ दसवीं पास ही योग्यता मांग गई है, इसमें भी कोई भी आपका आईटीआई बीटेक वगैरह नहीं है। अगला पद हमारा असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसमें भी सिर्फ दसवीं पास वाला बच्चा ही भर सकता है फॉर्म। असिस्टेंट ट्रक और ट्रक मशीन, इसमें बीटेक वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, इसमें दसवीं के साथ दसवीं और आईटीआई पास वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, इसमें दसवीं और आईटीआई वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। असिस्टेंट टीआरडी, इसमें भी दसवीं और आईटीआई वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें बी बीटेक वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। इंजीनियरिंग, इसमें बी बीटेक वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। हॉस्पिटल असिस्टेंट है ये मेडिकल में, इसके लिए भी योग्यता अभी यहाँ पर बताई नहीं गई क्या योग्यता आवश्यक है। अगला पद हमारा ट्रैक मेंटेनेंस, इसके में जो आपकी क्वालिफिकेशन वो है बी और बीटेक। ये हमने यहाँ पे सारांश से पढ़ा, पूरे डिटेल से जाना, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, अभी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा देने के लिए न्यूनतम दसवीं कक्षा की शिक्षा या एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई या समकक्ष होना आवश्यक है। आवेदन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं भले ही वे अपने अंतिम दसवीं या आईटीआई परीक्षा पहले ही पास पूरी कर चुके हो या कर रहे हो। हालांकि दस्तावेज सत्यापन के समय उन्हें यह प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वे योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट भी हमारा इसको भाई रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है ऑथराइज्ड कौन करवाता है, तो आरआरबी करवाता है। भर्ती का नाम ग्रुप डी। अब वैकेंसी में वैकेंसी अनुमानित है कि पहले तो पिछले साल आपकी जो भी भर्ती निकली थी पिछले टाइम 2019 में 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती थी, अब हम
उम्मीद करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा पदों पर आपकी भर्ती निकले। लास्ट डेट आपकी फॉर्म की अक्टूबर में आपके फॉर्म भर जाएंगे। अभी डेट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन लास्ट है आपका नवंबर 2024, अक्टूबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर जो आपकी रहने वाली वो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी फॉर्म की। सैलरी की बात करें तो 19,900 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी और आपके फॉर्म भरने का जो मोड है वो एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर वही दिया गया है कि आपको नोटिफिकेशन रिलीज होगा अक्टूबर में, फॉर्म की स्टार्ट डेट है अक्टूबर में, लास्ट डेट है आपकी नवंबर में। अब बात करते हैं हम इसमें अब एज लिमिट की, तो मिनिमम जो आपकी एज लिमिट है वो है आपकी 18 से लेकर 33 साल। भाई मिनिमम है आपकी 18, मैक्सिमम है आपकी 33 साल। वैसे 30 साल है, 3 साल आपको कोरोना की वजह से मिला है तो 33 हो गया। इसके अलावा जो आपको एससी एसटी को जो 5 साल की छूट मिल, एससी एसटी ओबीसी को, ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की जो छूट मिलती है वो भी आपको यहाँ पर छूट मिलेगी देखने को, ठीक है। अगला है हमारा, ये आ जाती है फीस कि हम फॉर्म भरते हैं तो कितना चार्ज लगेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का फीस चार्ज है यहाँ पर 500 रुपये, एससी एसटी पीएस के हैं 250 रुपये, ऑल कैटेगरीज की जो फीमेल है वो है उनका चार्ज लगेगा 250 रुपये। यू नीडेड टू पे द एग्जाम फीस ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। भाई आप पे जो पेमेंट कर सकते हो चाहे डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करो, यूपीआई मोड से आप सभी से इस फॉर्म को भर सकते हो। अब चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया में है आपके रिटर्न एग्जाम होगा पहले आपको, उसके बाद मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। संक्षेप में इसको जानते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी तर्क सामान्य जागरूकता गणित और सामान्य बुद्धि का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण, दौड़ना, भारोत्तोलन और जिसको पीटीपीएसटी कहते हैं, और स्थिति के लिए उपयुक्त तो अन्य शारीरिक व्यायाम सभी शारीरिक दक्षता प्रश्न पीटी का हिस्सा है। दस्तावेज का सत्यापन आपका यहाँ पर एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका पीटी टेस्ट हो गया। दस्तावेज का सत्यापन ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आवेदन के साथ शामिल किए गए मूल कागजी कार्यवाही की जांच करना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चिकित्सा परीक्षण चयनित पद के लिए चिकित्सा उपयुक्तता का मूल्यांकन, ये आपका फिजिकल हो गया, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पर आपको, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के, मैथमेटिक के यहाँ पर 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के यहाँ पर 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के यहाँ पर 25 क्वेश्चन, 100 यहाँ पर क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स के हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 100 क्वेश्चन 100 मार्क, और जो समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अगला है हमारा इसका जो आपका पीएचटी टेस्ट था वो आरआरबी ग्रुप डी के लिए सारी दक्षता जो टेस्ट है आपका, फिजिकल प्रोसेस देखिए इसका। इसमें पुरुषों के लिए दिए गए 2 मिनट में बिना रुके 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर तक लेकर जाना है, 4 मिनट और 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ आवश्यक है। ये आपका पुरुषों का ये रेस रहने वाली है, ये आपका 35 किलोग्राम का वजन उठाकर आपको 100 मीटर पर आपको ले जाना है। महिला या फिर ट्रांसजेंडर के लिए 2 मिनट में बिना रुके 20 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर पे। देखो सेम यहाँ पर जो आपको वेट जो आपको उठाना है पुरुषों को और महिलाओं को 2-2 मिनट का ही समय दिया गया है, लेकिन पुरुषों को 35 किलो दिया गया है और किलोग्राम, और महिलाओं को यहाँ पर 20 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी, यहाँ पर महिलाओं को भी 1000 मीटर की दौड़ दी गई है और पुरुषों को भी यहाँ पर 1000 मीटर की दौड़ दी गई है, लेकिन पुरुषों को यह दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है और महिलाओं
दौड़ है आपकी 5 मिनट और 40 सेकंड में यह दौड़ पूरी करनी है। तो आपकी ये हो गई संपूर्ण जानकारी आपकी ग्रुप डी से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके जो भी सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके सवाल जवाब थे वो आपको, जो आपके सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।